हेलो दोस्तों, मार्केट को मिला है बहुत बड़ी राहत, एक ऐसी न्यूज़ जिससे दोस्तों आपका पोर्टफोलियो हरा भरा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ये फैक्ट, डेटा और स्टैटिक्स के हिसाब से बना रहा हूँ। इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, जो आपके सामने दिखाया जा रहा है दोस्तों वही फैक्ट है, डेटा है। डेटा के हिसाब से मैं आप लोगों को वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अभी जस्ट कुछ देर पहले ही यहाँ पर एक दोस्तों वीडियो अपलोड हुआ है और बताया गया है कि दोस्तों, और न्यूज़ भी आया है कि दोस्तों चीन को मिल गया है कोरोना का दवा। दोस्तों, कोरोना की वजह से निफ्टी बहुत ज़्यादा गिर चुका है, बहुत ज़्यादा। अगर दोस्तों ये न्यूज़ रियल हुआ तो मैं बोल रहा हूँ निफ्टी में दोस्तों इतना बड़ा उछाल आएगा, क्योंकि उसी के वजह से निफ्टी में हमें बहुत बड़ी गिरावट देखी जा रही थी। तो एक मिनट, सबसे पहले तो मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए दोस्तों, तेज यूट्यूब चैनल का नाम है यहाँ पर, तेज, ठीक है। इनका ये भी देख लो, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों टाइटल, यहाँ पर देख लो थंबनेल, और आपके सामने मैं अभी वीडियो प्ले कर रहा हूँ। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, अगर ये सच हुआ, अगर उनको ये मेडिसिन मिल गया है, तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जिनमें लंबी तेजी देखी जाएगी, छोटा मोटा नहीं, लंबी तेजी देखी जाएगी। तो वीडियो सबसे पहले आप देख लीजिए, न्यूज़ देख लीजिए। सुनीता राय, और अब बात करेंगे कोरोना के कहर की, क्योंकि कोरोना की दवा चीन को मिल गई है। क्या कोरोना के खौफ में जी रही दुनिया के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, कोरोना की दवा मिल गई है। और ये दावा हम नहीं कह रहे, बल्कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित चीन ने ये दावा किया। तो देखिए, यहां पर बोला जा रहा है कि इंडिया ने नहीं, चीन ने दावा किया। दोस्तों, दावा दिया उन्होंने, भले ही अभी यहाँ पर न्यूज़ दिखाया जा रहा है, लेकिन अभी कुछ देर पहले आपको और भी न्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, चीन ने दावा किया, तो और भी वीडियो आगे देख लीजिए क्या हुआ और क्या नहीं मिला है मेडिसिन में। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मेडिकल एक्सपर्ट की टीम का यह दावा है कि एक महीने के अंदर अभी आखिरकार हासिल कर ली। हालांकि चीन के इस दावे में कितना दम है ये तो पता चलेगा जब ये वैक्सीन लोगों तक पहुंचेगी। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन खबर क्या है, दावा क्या है, देखिए। कोरोना एक ऐसा काल जिसने पूरी दुनिया में हंगामा मचा रखा, दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी इसके खौफ में जिंदगी बिता रही। चीन से शुरू हुआ ये कहर दुनिया के 74 से ज्यादा मुल्कों तक पहुंच गया है, क्या अमेरिका, क्या यूरोप, अब तो भारत में भी कोरोना के मरीज मिलने के बाद खलबली मची हुई है। ये बीमारी एक शख्स से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और ऐसे ही हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। दिक्कत यह है कि अब तक कोरोना की कोई दवा नहीं है, ना ही कोई वैक्सीन, सब कुछ भगवान भरोसे है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी दवा बनाने की खोज में लगे, लेकिन अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली। कोरोना का सबसे ज्यादा कहर चीन में मचा है, चीन से ही ये बीमारी फैली है। चीन का वुहान शहर मरघट में तब्दील हो गया है, लेकिन अब चीन ही ये दावा कर रहा है कि उसने कोरोना वायरस से बचने की वैक्सीन खोज ली है। तो आपने सुना दोस्तों यहाँ पर क्या बोला, कि चीन दावा कर रहा है कि उसने ही कोरोना वायरस से बचने का मेडिसिन, मतलब वैक्सीन तैयार कर लिया है। दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ, अगर ये न्यूज़ डेटा के हिसाब से सही हुआ, तो दोस्तों निफ्टी में यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 11,000 के आसपास जो है एक सपोर्ट जोन बनेगा, और यहाँ से दोस्तों निफ्टी बाउंस बैक करेगा और आप लोगों को मार्केट में अच्छा से अच्छा रैली देखने को मिलेगा। दोस्तों, मार्केट में आपने देखा निफ्टी यहाँ पर देख सकते हैं 12,400 या 12,500 के आसपास से 11,100 के आसपास ये गिर चुका है। लेकिन दोस्तों, अगर ये न्यूज़ सच है, तो मैं बोल रहा हूँ निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक लेना स्टार्ट करेगा, और जिनको लॉस हुआ है अब प्रॉफिट में धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो मैं बोल रहा हूँ आप झूम उठोगे दोस्तों, झूम उठोगे। क्योंकि ये देख लीजिए, यूट्यूब चैनल का मैं नाम दिखा दे रहा हूँ, अभी जाके वीडियो भी देख लीजिए, मैं थोड़ा वीडियो आप लोगों को प्ले करके दिखा दे रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। कोरोना से बचाव की वैक्सीन तैयार कर ली है, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मेडिकल विशेषज्ञों की टीम ने ये दावा किया है। और देखिए यहाँ पर टीम का नाम भी बताया जा रहा है कि किस टीम ने जो है कोरोना वायरस का वैक्सीन निकाला है। एक महीने से ये टीम कोरोना की वैक्सीन इजाद करने में लगी थी। मेजर जनरल शेन वेई के नेतृत्व में ये टीम काम कर रही थी। चाइना सेंट्रल टेलीविजन को शेन ने बताया कि उनकी टीम ने वायरस के लिए किट, दवाइयाँ और वैक्सीन तैयार कर ली है।
ये वही टीम है जिसने 2002 में सार्स और 2014 में इबोला के खतरे से बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। कोरोना की दवा मिलने की खबर से चीन में खुशी की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया में तमाम लोगों ने बधाइयों के संदेश पोस्ट किए हैं। मेजर जनरल शेन वेई चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मिलिट्री मेडिकल साइंस एकेडमी में है। ये चीन की बेहद प्रतिष्ठित अकादमी है। इसमें 26 विशेषज्ञ और 50 से ज्यादा वैज्ञानिक है। दावा है कि इस टीम ने दिन रात एक कर ये वैक्सीन तैयार की है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही ये वैक्सीन लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी और कोरोना के आतंक को खत्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जल्दी ये वैक्सीन आप लोगों को अवेलेबल कर दिया जाएगा, तब जाके पूरी पब्लिक को रिलीफ मिलेगा। तो मैंने आप लोगों को डेटा दिखाया, फैक्ट दिखाया, स्टैटिक्स दिखाया, जो भी था आप लोगों के सामने था। अगर ये सच हुआ तो दोस्तों मार्केट को बहुत लंबी राहत मिलेगी और जिन्होंने भी बहुत सारे स्टॉक खरीदे हैं जिनको नुकसान हो रहा है उनको बहुत अच्छा जो है उसमें आप भी आपको इम्प्रूवमेंट और रिकवरी देखा जाएगा। सबसे पहला स्टॉक का नाम लूँगा दोस्तों जो बहुत ज़्यादा गिर चुका है। किस वजह से गिरा है अगर मैं उस वजह बताने जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। IRCTC भाई, जिन्होंने भी 2000 के लेवल पे ख़रीदा वो तो रो रहे हैं, लेकिन करना क्या चाहिए। देखो मैं पहले आपको बिज़नेस मॉडल समझा देता हूँ। IRCTC का बिज़नेस ये है, ई टिकटिंग, ठीक है, ई टिकट का उसका बिज़नेस है दोस्तों। ट्रेन में, चाहे बसेस में, चाहे एरोप्लेन्स में, तीनों जगह ये क्या करता है दोस्तों, ई टिकट का बिज़नेस करता है। अभी कोरोना वायरस के वजह से इनका एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है, ठीक है, एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। तो IRCTC का तीन वे था, क्या था, एयरपोर्ट था, ठीक है, एयरलाइन था, और दोस्तों ट्रेन था, बसेस था। तो एक तो बंद हो गया दोस्तों, एयरपोर्ट बचा दो, बसेस और ये जो ट्रेन। तो दोस्तों ट्रेन, ट्रेन का मतलब क्या होता है, जो दूर दूर जाते हैं उसमें ज़्यादा उनको बेनिफिट होता है दोस्तों। लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं भेज रहे स्टडी करने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कौन जाएगा घूमने फिरने के लिए, कोई भी नहीं जा रहा। तो ट्रेन भी गया, बसेस, बसेस में कितने लोग जाएंगे। इसी वजह से जो कोई लोग भी, कि एक भी इंसान जो है टिकट नहीं ले रहा, इस वजह से IRCTC का बिजनेस जो है गिर चुका है। नहीं तो मैं बोल रहा हूँ जिस दिन कोरोना का हट जाएगा दोस्तों, हट जाएगा बीमारी, मैं बोल रहा हूँ IRCTC वापस आपको जो है 2000 के लेवल पे दिखेगा। बस आप पेशेंस रख लो और कुछ नहीं, आप बस पेशेंस रख लो भाई। जिन्होंने खरीदा, क्योंकि बहुत लोगों ने पहले से खरीद के रखा है, ये तो मैं समझ रहा हूँ, बहुत लोगों ने हाईएस्ट प्राइस पर खरीद के रखा है। ये जो 8% को आपकी अभी गिरावट दिख रही है ना, अपोजिट हो जाएगा प्रॉफिट में। मैं बोल रहा हूँ भाई पेशेंस रख लो, पेशेंस रख लो, पेशेंस रख लो, बेचना मत, क्योंकि लॉस हो रहा है आप लोगों को। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमें लॉस नहीं प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा भाई, रुको, ठीक है, होल्ड करो, पेशेंस करो, आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा क्योंकि प्राइस इंक्रीज होने वाला है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, देर है पर अंधेर नहीं। और दूसरा स्टॉक दोस्तों एफएल इंडिया। एफएल इंडिया का प्राइस दोस्तों ये 2300 के प्राइस पे गया था, उसके बाद इसका जो स्टॉक है 1700 तक ये गिर चुका है, बहुत ज़्यादा, अराउंड 500 या 600 के लेवल से ये टूटा है। तो मैं बोलूँगा भाई होल्ड करो, थोड़ा सा सब्र रखो, जैसे ही ये न्यूज़ रियलिटी में चेंज होना स्टार्ट होगा, लोगों को रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मार्केट मतलब ऑटोमेटिक जो है अपर साइड में जाना स्टार्ट जाएगा। तो अभी आपको होल्ड करना है, ठीक है भाई, पेशेंस, मार्केट में ऐसी एक चीज है पेशेंस जो आपको सही तरीके से आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। और ये तीसरा स्टॉक है दोस्तों फार्मा सेक्टर का, सनफो इंडिया आपके सामने है, भले ही ये थोड़ा महंगा है लेकिन मैं बोलूंगा ऐसे स्टॉक पे आपको फोकस रखना चाहिए जहां पर आपको 2 रुपया प्रॉफिट हो। वो स्टॉक पे आपको फोकस नहीं करना चाहिए जिसका प्राइस कम हो और आपको लगता है कि आप उसमें हेवी से हेवी क्वांटिटी खरीद सकते हो। गलत, क्वांटिटी के पीछे नहीं क्वालिटी के पीछे जाना है, क्वांटिटी के पीछे नहीं क्वालिटी के पीछे जाना है। मैंने 2 बार बोला, क्वांटिटी के पीछे जाओगे तो आपको लॉस हो जाएगा, क्वालिटी के पीछे जाओ तो आप जाके पैसा बना पाओगे। ठीक दोस्तों, गवर्नमेंट ऐसी कंपनी को सपोर्ट करती है। मैं ये जो कंपनी का नाम दिखा रहा हूँ दोस्तों, इसके बारे में एक न्यूज़ भी था कि गवर्नमेंट ऐसी कंपनी को सपोर्ट कर रही है और आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है, जिससे दोस्तों फार्मा इंडस्ट्री में, क्योंकि लोग इतने पॉपुलेशन के कारण दोस्तों इतना ज़्यादा बीमारी हो चुका है, पता ही नहीं चलता कब क्या होने वाला। इसलिए दोस्तों जो जितने भी फार्मा सेक्टर की कंपनी हैं जो स्ट्रांग है, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट देती है कि हर एक स्टेप पर एक्शन लेने के लिए रेडी रहना चाहिए। चाहे लोगों को देखिए, हम
हर एक चीज़ से जो है खिलवाड़ कर सकते हैं, लेकिन लोगों को जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों फार्मा इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। तो ये वो कंपनी है जो आपको फ्यूचर में इतना बड़ा प्रॉफिट निकाल के दे देगी भाई, इतना बड़ा प्रॉफिट निकाल के दे देगी जितना आप सोच नहीं पाओगे। देखिए फिक्स डिपॉजिट तो सभी करवाते हैं, लेकिन मार्केट में कभी एक अच्छे कंपनी में फिक्स डिपॉजिट करके देख लो, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो ये कंपनी का भी जो करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है 7,584 के आसपास चल रहा है, और 147 मतलब 150 का आज ये अपर सर्किट भी मारा, ठीक है। और अगर ये कंपनी के डेटा अगर हम चेक कर लेते भाई, ये मैक्सिमम डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैक्सिमम डेटा ये कंपनी कभी एक ज़माने में नहीं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो 2003 के आसपास ये दोस्तों 200-300 का स्टॉक हुआ करता था, 200-300 का स्टॉक हुआ करता था। कब, यहाँ देख सकते हो दोस्तों दिसंबर 2000 ये 3 है, ठीक है दोस्तों, 3 के आसपास मैं बोल रहा हूँ। देखो इसमें कितना अच्छा रैली आया है दोस्तों, ये 300 का स्टॉक यहाँ पर भाई देख लो यहाँ पर, ठीक है। तो ये देख लो दोस्तों 300 का स्टॉक आज के डेट में 7,500 अराउंड 8,000 के आसपास पहुंच चुका है। तो आप जितना लंबा रखोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। देख लीजिए बीच बीच में थोड़ा बहुत गिरावट होता है, यहां पर गिरावट हुआ, फिर देखिए यहां पर गिरावट हुआ, आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूं, ठीक है। देखिए ये गिरावट वाला पॉइंट है, ये भी गिरावट वाला पॉइंट है, ये भी गिरावट वाला पॉइंट है। तो आप ऐसे जगह पे पीछे मत हटिएगा, थोड़ा सा तो पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी मार्केट में पैसा बनेगा। और एक स्टॉक है दोस्तों BASF इंडिया, ठीक है। ये स्टॉक का भी जो करेंट मार्केट प्राइस देख रहे हो दोस्तों, इसका जो है 1200 आग के आसपास है, हाईएस्ट कितना मारा है दोस्तों 1225। और एक चीज़ मैं जब भी वीडियो स्टार्ट करता हूँ तो मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताता हूँ कि हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। और बहुत लोग ये भी पूछेंगे कि ये स्टॉक का तो प्राइस आज बढ़ चुका है, लेकिन इसके बारे में आपने क्यों नहीं बताया। भाई ये स्टॉक में मैंने आपको 20% का रिटर्न निकाल के दिखाया, और निकाल के दिखाए नहीं, मैंने आपको निकाल के दिया, वो भी कितने दिनों के अंदर, वो भी मैं आपको बता देता हूं, 5 दिनों के अंदर, विद इन 5 डेज के अंदर मैंने आपको 20% का रिटर्न निकाल के दिखाया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, ये वीडियो मैंने कुछ दिन पहले ही अपलोड किया था। सबसे पहले तो मैं आपको प्रूफ के तौर पे भाई डेट दिखा दूंगा, ताकि डेट देख के आप खुद ही जज कर दोगे कि वीडियो कब अपलोड किया गया था। एक दिन पहले वीडियो अपलोड किया गया था, एक दिन बाद में वीडियो अपलोड किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर डेट देख सकते हैं दोस्तों, पब्लिश ऑन मार्च 1, 2020। तो ठीक है, मैंने इस मंथ के पहली तारीख को ये वीडियो मैंने शाम को अपलोड किया था, ठीक है। और साफ साफ मैंने बोला था भाई, एक शेयर तो खरीद लो, आपका जिंदगी बदल जाएगा। चलिए मैं आपको वीडियो प्ले करके भी दिखा देता हूँ। तो इसका नाम यहाँ पर देख सकते हो BASF, ठीक है। अभी का जो करेंट मार्केट प्राइस चला दोस्तों 1000 के आसपास चला, 1026 रुपीस के आसपास। और ये कंपनी दोस्तों बोनस और डिविडेंड भर भर के देती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन दिखाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप इस कंपनी को खरीदना चाहते हो तो भूलिएगा मत, मैं बोलता हूँ भाई खरीद लो, भले ही मार्केट गिर रहा हो लेकिन फिर भी आपको खरीदना है, ठीक है। देख लीजिए मार्केट तो बहुत दिनों से गिर रहा है, लेकिन दोस्तों ये स्टॉक देखिए आज के डेट में ही, मतलब लास्ट डेट जब मार्केट गिरा दोस्तों, निफ्टी सेंसेक्स जब 1500 पॉइंट गिरा, तब दोस्तों ये स्टॉक में देख सकते हैं 3 पॉइंट का जो है 3% का इसमें डाउन सर्किट आया। तो मैं बोलूंगा दोस्तों इस कंपनी को मतलब जोरदार खरीदारी कीजिएगा कंपनी में, और अच्छा से अच्छा जो है प्रॉफिट जनरेट कीजिएगा इस कंपनी का, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होने वाला है। मौका बार बार नहीं आता, टाइम लिमिटेड है। बार बार हर एक वीडियो में मैं एक चीज तो जरूर समझाता हूं दोस्तों आप लोगों को, टाइम लिमिटेड है, खरीदो और प्रॉफिट लो, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है। तो आपने देख लिया दोस्तों, मैंने साफ साफ बोला कि भाई खरीदो, दम भर खरीदो करके, क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ होने वाला, और हर एक वीडियो में मैं आपको बता देता हूं। तो आपने यहां पर साफ साफ, मैंने ये भी बोला चाहे मार्केट कितना भी गिर जाए लेकिन आपको क्या करना, खरीदना। और ये जब मैंने वीडियो अपलोड किया था दोस्तों BASF इंडिया का कितना प्राइस चला था, यहाँ पर देख सकते हो 1026 के अराउंड चल रहा था दोस्तों, 1026.85 ठीक है आसपास ही चल रहा था। और ये जो स्टॉक है दोस्तों 1000 रुपीज़ का स्टॉक, यहाँ पर देख लीजिए 1200 हाईएस्ट कितना मारा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, 1225, मतलब कि दोस्तों ये आपको 20% का रिटर्न दे दिया, 20% का रिटर्न दे दिया। और हालांकि दोस्तों मैंने ये वीडियो 1 मार्च को अपलोड किया था, और येस्टरडे भी मैंने ये वीडियो के बारे में बताया कि भाई येस्टरडे जो है इसमें 12% की तेजी थी, और आज इसमें 5% की तेजी थी। येस्टरडे भी मैंने इस वीडियो के बारे में अपलोड करके दिखाया था, भाई देख लो खरीद लो। तो ये रहा दोस्तों जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया था येस बैंक से रिलेटेड, उसी के में मैंने बताया था। यहाँ देख लीजिए 4 मार्च को मैंने ये वीडियो बनाया था, ठीक है दोस्तों। पहले मैंने 1 मार्च को बनाया, उसके बाद 4 मार्च को मैंने ये वीडियो बनाया, ठीक है। और इस वीडियो में देखा ना BASF आज के डेट में यहाँ पर देख सकते हो 12.91, मतलब कि दोस्तों 13% का अपर सर्किट है। हाईएस्ट प्राइस देख लेते हैं भाई, तो हाईएस्ट प्राइस अगर देख लेते हैं तो 1169, मतलब 1170, ठीक है। और तो यहाँ पर देख लीजिए कल जब मैंने वीडियो अपलोड किया तो दोस्तों वहां पर भी जो है इस स्टॉक में आपको कम से कम तो 12 या 13% का अपर सर्किट
सर्किट देखा जा रहा था, यहाँ पर देख लीजिए 13 पॉइंट का, ठीक है, 13% की अपर सर्किट देखा जा रहा था और आज के डेट में 5%, ठीक है दोस्तों 5%। तो देख सकते हैं 13+5, और मैंने बताया था दोस्तों 1026, तो 20% के आसपास आपको भाई प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। तो ये है वो दोस्तों फोर्थ स्टॉक जिसमें आप खरीदारी कर सकते हो। लास्ट स्टॉक में आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए, वो है पिडिलाइट इंडस्ट्री। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1629, ये दोस्तों गिरते हुए मार्केट में भी ऐसे स्टॉक है जो आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो भाई मैं बोल रहा हूँ आंख बंद कर लो, बंद करने के बाद खरीदो। आंख जब खोल के खरीदोगे ना तो आपको बहुत डर लगेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ खरीदना तो है ही आपको चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। अभी जो इसका करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1629 के आसपास चल रहा है दोस्तों पिडिलाइट इंडस्ट्री, ठीक है। तो खरीदना मत भूलिएगा चाहे जो भी है दोस्तों। तो ठीक है, आपने देखा दोस्तों मैंने जो भी आपको बताया, 5 स्टॉक बताया और मार्केट के बारे में पॉजिटिव न्यूज़ भी बताया। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ पेड सर्विसेज दिए जाते हैं दोस्तों, और पेड सर्विसेज में देखिए मैंने अपने कस्टमर को दिखाया था, मैं आपको डेमो के तौर पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट की तरफ से दिया गया था, 2 मार्च को दिया गया था दोस्तों, और यहाँ पर देख सकते हैं BASF को 1067 के प्राइस पर दिया गया था। यहाँ देख सकते हैं आपके सामने डेट भी है दोस्तों, उसके बाद 2 डे मतलब आज के डेट में, ठीक है। तो ये देख लीजिए प्रूफ के तौर पर मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि मैंने आपको अपने कस्टमर को जो है कॉल्स दिया था, ठीक है। उसके बाद एक और दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है बिलीव अच्छे तरीके से आ जाए। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, तो यहां पर भी 2 मार्च को यहां पर कॉल दिया गया था BASF का 1067 के। अगर टाइम देखोगे तो दोस्तों ये टाइम मैंने दिया था 9:38 को, और ये टाइम भी यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 9:45 को, तो टाइमिंग डिफरेंस भी है। तो आपने देखा मैंने आपको डेमो भी दिखाया। तो अगर आप चाहते हो हमारे साथ जुड़ के पेड सर्विसेज लेना तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हो दोस्तों। पेड सर्विसेज में आपको इससे अच्छा और बेटर मतलब कि आपको अच्छा से अच्छा जो है प्रॉफिट करके दिया जाएगा। आप अगर हमारे साथ पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो ये जो नंबर है दोस्तों ये व्हाट्सअप का परमानेंट नंबर है, इस नंबर पे आप SMS कर सकते हो। हालांकि आपको रिप्लाई देने में 1 या 2 दिन लेट हो सकता है, लेकिन आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो नंबर, ये कॉन्टैक्ट नंबर, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आने वाला वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगा। और देखो अगर आप हमारे सारे YouTube वीडियो के साथ पेपर ट्रेडिंग करना चाहते हो, बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं भाई मुझे तो डेमो चाहिए, ट्रायल चाहिए, सैंपल चाहिए, जो भी चाहिए सब मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको अपने YouTube के प्लेटफॉर्म पे जाना है, उसके बाद ये जो सर्च बार है यहाँ पे आपको जाके सर्च मारना है परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, ठीक है। मैं डेली सर्च मारता हूँ इसलिए आ चुका है दोस्तों। जैसे ही आप परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट सर्च मारिएगा यहाँ पर आपको सामने सिंबल आ जाएगा, सिंबल पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने वीडियोज़ आ जाएगा, ठीक है। वीडियोज़ में आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर मेरा सारा वीडियो जो है विजिबल हो जाएगा आप लोगों के सामने। आप हमारे सारे वीडियोस के साथ जो है पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेटेस्ट वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो कल के दिन में मैंने दोस्तों यस बैंक के बारे में बताया था कि यस बैंक डूब गया आरकॉम की तरह, ठीक है। इस वीडियो में मैं ओपन माइंडेड बोला था, एक छोटा सा बैंक के बारे में बताया था दोस्तों, 30 रुपीज का स्टॉक बताया था। आज के डेट में अभी कल ही मैंने बताया था, यहां पर देख लीजिए 23 आवर हुआ, अभी 1 घंटे के बाद दोस्तों इसमें 24 आवर हुआ, मतलब कि दोस्तों मैंने सेम टाइम पे वो वीडियो अपलोड मारा था 1 दिन पहले। और इस वीडियो में मैंने दोस्तों बताया था एक छोटा सा स्टॉक के बारे में, 30 रुपीज का स्टॉक था। और अभी जाके देखिए, ये वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। और अभी जाके देखिए दोस्तों 17% या 18% का, ठीक है, 15 या 18% का आपको प्रॉफिट मिल रहा है। कल ही मैंने वीडियो अपलोड माना था, आप मेरा सारा वीडियोस देख लीजिए। आप सारा जो भी वीडियो देखना सब में आप देख लीजिए दोस्तों। इंडिया बुल हाउसिंग के बारे में बताया था, इसमें भी आपको जो है कम से कम 9% का प्रॉफिट मिला, वो भी कितने दिनों के अंदर, 3 डेज़ के अंदर। तो आपके सामने मेरा सारे वीडियोज़ है, आप पेपर ट्रेड कर सकते हो। पेपर ट्रेड करने के बाद आपको अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, आने वाला वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगा।